ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग। तो मैंने कल भी बताया था, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है कि पी साइड जो है विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी एंड एन साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी। फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। तो समझना इसको बेसिकली क्या होता है इसमें। जैसे मान लो मैंने एक पीएन डायोड ले लिया, ये पीएन जंक्शन हो गया, पी साइड इस तरफ है, एन साइड इस तरफ। पी साइड वाले के पास क्या है, पी साइड वाले के पास होल्स है, तो मैं होल्स को ऐसे डिनोट कर देता हूं। और एन साइड वाले के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। ये मेजोरिटी में पी साइड वाले के पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पी साइड वाले के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ये जो बने हुए हैं किससे बने हुए हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसके हिसाब से फिर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जो वो सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, जब हमने इंप्योरिटीज ऐड नहीं करी थी तो उसमें तब भी कुछ ना कुछ होल्स थे और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन थे। फिर उसमें अगर मैंने इंप्योरिटी ऐड कर दी, मान लो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो उसमें बस होल्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। नंबर ऑफ होल्स क्या हो गए, बढ़ गए, लेकिन उसमें अभी भी कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो कर देता हूँ। और एन टाइप में अभी भी कुछ ना कुछ क्या है, होल से, ठीक है, एक दो होल शो कर देते हैं हम लोग। अब पी साइड वाले को मैंने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड को कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल होता है, या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, ई बी, दैट इज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। अब देखो बैटरी का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है या फिर नेगेटिव वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, यहां पर इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगा, ऐसे करके, ये एक्सटर्नल बोल दो इसको। और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखो नेगेटिव वाला साइड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, रिपेल कर रहा है और होल्स, और ये पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, इधर से होल्स को रिपेयर कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से पी साइड में मूव करेंगे, ठीक है। इनिशियली तो नहीं करेंगे, जब तक मेरा पोटेंशियल वी लेस देन होगा वी बी से, जब तक वी लेस देन होगा वी बी से, ठीक है। मैंने कल उस दिन बताया था कल कि यहां पर भी क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वी बी। वी बी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इधर आप समझो, जैसे सपोज करो मैंने एक बैटरी ले ली, दो बैटरी ले ली मैंने, सपोज करो एक बैटरी है मेरी 2 वोल्ट की, और यहां पर मैंने ले लिया वेरिएबल, वी वेरी कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या है, करंट को ऐसे फ्लो करवाना है। अगर ये V की वैल्यू, इस V की वैल्यू इस 2 वोल्ट से कम हुई, तो क्या करंट ऐसे फ्लो करेगी क्या, अगर V लेस देन 2 वोल्ट होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, अगर V जब ग्रेटर देन 2 वोल्ट होगा तब जाके करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो जब V VB से ज्यादा होगा बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस से, तब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर, मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है करेंगे कब, ठीक है, इसमें करंट फ्लो तो होगी, करंट फ्लो इस केस में भी करंट फ्लो होगी, किसके कारण होगी, करंट फ्लो ड्यू टू
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, दो मिनट। ठीक है, इनिशियली कोई करंट फ्लो होगी क्या? इनिशियली जो है वो VB है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे इनिशियली। हाँ ठीक है, करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज है। जब V की वैल्यू VB से स्मॉल है तो करंट जो फ्लो होगी वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगी, और जब V ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है VB के, तो जो करंट फ्लो गया VB क्या हो गया, जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू VB से ज्यादा हो गया। ये V की वैल्यू मान लो 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 वोल्ट कर देता हूँ तो अब करंट ये ऐसे फ्लो करवाएगा। सेम ऐसा ही जब V की वैल्यू VB से ज्यादा हो जाती है तो अभी क्या करेगा, करंट को ऐसे फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इजिली आ जाएंगे, वो होल्स हम बोल सकते हैं कि होल्स जो है वो एन साइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, करंट स्टार्ट फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट ड्यू टू किसके कारण, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके होल्स, इसका मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अब फ्लो कर रहे हैं। फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, किसके कारण, ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप V की वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, वो होल्स इधर मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप V को इंक्रीज करते हुए जाओगे, करंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे V को बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ती जाएगी, और एक वैल्यू ऐसे आएगी जब करंट क्या हो जाएगी, एकदम से हाई हो जाएगी, उस वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज। उस वोल्टेज को बोलेंगे, जब V की वैल्यू VB से बड़ी हो जाती है उस वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज। ठीक है, इसका ग्राफ बताऊंगा मैं। जब V की वैल्यू VB के बराबर हो जाती है, जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू के बराबर हो जाती है, तब करंट क्या हो जाती है, एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो इस डिप्लीशन रीजन पे क्या असर होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर मान लो पहले इतनी थी, अब डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, आप लोग लिख लेना, इसको मैं रब कर रहा हूं। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ईबी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कम होगा। दैट्स व्हाई डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड, मतलब वी और आई के बीच में ग्राफ। उसका ग्राफ देखो, इस तरह मैं ले लेता हूं V और इस तरफ ले लेते हम लोग I। ठीक है, करंट, ठीक है, तो V की वैल्यू अभी क्या है, जीरो, तो अभी आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। फिर जैसे जैसे आप V की वैल्यू बढ़ाओगे, मान लो 1 वोल्ट कर दिया आपने, तो आपको क्या होगा, करंट मिलेगी, लेकिन करंट किसके कारण मिल रही है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। अभी भी आपको करंट मिलेगी, लेकिन किसके कारण मिलेगी, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण मिलेगी। ठीक है, देखो इधर, जैसे मान लो मैंने यहां पे 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, कितनी, 1 वोल्ट की,
और इसका जो बैरियर पोटेंशियल है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, पी साइड के में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी अभी वैल्यू इतनी कम है कि इसके कारण करंट फ्लो नहीं होगी। करंट किसके कारण फ्लो हो रही है, बैरियर पोटेंशियल के कारण, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो हो रही है। ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट फ्लो होगी धीरे धीरे। और फिर जब वी की वैल्यू वीबी के बराबर हो जाएगी तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ग्राफ इस तरह से फिर आगे जाएगा। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जहां पर करंट फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ठीक है, मैंने सही बनाया क्या, वी और आई। अच्छा, आई को इधर लेना है, वी को इधर लेना है। आई इधर ले लो, आई जो है वो मिली एम्पियर में करंट होगी, याद रखना मिली एम्पियर में। करंट की वैल्यू बहुत कम होती है डायोड में, ज्यादा हम लोग करंट नहीं दे सकते। इस पॉइंट को बोलते हैं जहां से करंट स्टार्ट होना, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कॉल्ड नी वोल्टेज। ठीक है, नी जानते ही हो आप लोग, इंग्लिश मीनिंग नी। ठीक है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पर करंट क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, नी वोल्टेज जो होता है वो जनरली कितना होता है, इसको नी वोल्टेज या कट आउट वोल्टेज भी बोलते हैं, कट वोल्टेज, कट आउट वोल्टेज, कट वोल्टेज। ठीक है, तो नी वोल्टेज जो होता है जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। तो अगर आपने जर्मेनियम में फॉरवर्ड वाइज में जर्मेनियम को कनेक्ट कर रखा है और आपकी जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नली वो 0.3 वोल्ट से कम है, तो करंट तो फ्लो करेगी लेकिन वो बहुत कम करंट फ्लो करेगी। लेकिन आप जब 0.3 वोल्ट से ज्यादा कर दोगे तो फिर करंट क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से करंट आपको हाई मिलेगी। ठीक है, करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सेम ऐसा सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज 0.7 वोल्ट होता है। 7.0 वोल्ट से ज्यादा देने पर ही ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी करंट को हम लोग नहीं मानेंगे, बहुत कम करंट फ्लो हो रही है। तो 0.7 वोल्ट के बाद ही भी करंट की आपको हाई वैल्यूज मिलती। आई बात समझ में, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, फॉरवर्ड बाइसिंग का लिखा हुआ है, दैट इज डेल्टा वी एफ। फॉरवर्ड बाइसिंग में कितना आउटपुट आ रहा है, सॉरी, अपॉन डेल्टा IF। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वोल्टेज अपॉन करंट, इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्स 100 ओम। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 100 ओम के अप्रोक्स होता है। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग, तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, दूसरा है आपका रिवर्स बाइसिंग, दैट इज कॉल्ड RB, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, ये डायोड है आपका, ये पी साइड, ये एन साइड, पी साइड वाले के पास क्या है, होल्स, एन साइड वाले के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसकी रीजन, डिप्लीशन रीजन। पी साइड वाले को कनेक्ट कर रहा हूं मैं किससे, नेगेटिव से, और एन साइड वाले को कनेक्ट कर रहा हूं मैं पॉजिटिव से, ये एक्सटर्नल बैटरी वगैरह। इसमें जो बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव होता है आपका, ये VB, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये खुद पॉजिटिव है इस तरफ, तो ये अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसके मेजोरिटी में है, इसके जो मेजोरिटी में है, उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, और ये उसके क्या कर रहा है, उसके होल्स को इधर की तरफ खींच रहा है। तो ये बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई बी ऐसे,
और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे ही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी आ रही है ई एक्सटर्नल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो डिप्लेशन रीजन होगा, वो बढ़ेगा घटेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने चाहिए तब जाके डिप्लेशन लेयर कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव साइड अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होल्स है उन होल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये डिप्लीशन रीजन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसके इसमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो पहले वाली जो साइज थी उसके कंपेरिजन में डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या बोलोगे आप, बेरियर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, बेरियर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये, अब ये काफी हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस, ये करंट को फ्लो होने ही नहीं दे रहा, प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या अब भी कुछ करंट फ्लो कर रही है क्या, हाँ अब भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही है। कैसे कर रही है, क्योंकि इस पी साइड के पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और एन साइड के पास कुछ ना कुछ होल्स है। तो ये पॉजिटिव वाला होल्स तो इधर रिपेल होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव करेंगे, लेकिन करंट फ्लो होगी, लेकिन बहुत कम करंट फ्लो होगी, बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगी, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू में करंट फ्लो होगी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो एम्पियर। अब मैं क्या करूंगा, वी को बढ़ाता जाऊंगा, वी को इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा, तो क्या होगा, आपका विड्थ बढ़ती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना हाई हो जाएगा कि जो एटम्स है उस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ही उस एटम को छोड़ देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाएगा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो एकदम से क्या हो जाएगा, इस डिप्लीशन रीजन में एकदम से क्या बोलते हैं उसको, एवलांच आ जाएगा, किसका, चार्ज कैरियर्स का। तो एकदम से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। हाई बात समझ में